हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। हैदराबाद में आसमानी आफत के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के जालौन, महोबा, पीलीभीत समेत कई जिलों में बारिश से फसलों को भारी नुकसान। और हथनीकुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद हरियाणा के यमुनानगर में कई गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति। इन सभी खबरों को देखिए विस्तार से टॉप 9 सैलाबकाल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ रोनहाट के करीब रास्त गांव में लैंडस्लाइड की चपेट में आए एक मकान में दबकर 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा रात के वक्त हुआ जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। सिरमौर में बीते कई दिनों से जारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड और नदी नालों में आए उफान की वजह से जिले की 120 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। हैदराबाद में अचानक हुई जोरदार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला। मल्लेपल्ली समेत कई निचले इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। सड़कें पानी से लबालब हो गई जिससे शहर के ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। यहां बारिश के बीच एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। गोल मस्जिद के करीब सड़क पर पानी भरने के बाद दो युवक इसमें तैराकी करते दिखे, जबकि इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मानसून ने एक बार फिर दस्तक दी है। इस महीने की शुरुआत में हुई जोरदार बारिश के बाद डूबे बेंगलुरु शहर में बीती शाम भी झमाझम बारिश हुई, जबकि तमिलनाडु के कई इलाकों में भी एक बार फिर से मौसम की वापसी हुई है। कल शाम हुई बारिश ने चेन्नई की सड़कों पर भी आवाजाही को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने यहां आज भी रुक रुक कर बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। यूपी के इटावा जिले में बारिश के बाद से केंद्रीय विद्यालय का परिसर तालाब बना हुआ है। हरसोली में मौजूद इस स्कूल में पिछले 5 दिनों से घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि पानी निकालने के लिए प्रशासन से मदद मांगी गई थी, जिसके बाद पंप सेट से पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से प्रशासन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहले सूखे फिर बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मेरठ के ललसाना गांव में मूली की खेती करने वाले किसानों की करीब 40% फसल खराब हो गई है। खेतों में ज्यादा पानी लगने से मूली की फसल सड़नी शुरू हो गई है। वहीं संभल में बारिश के बाद चली तेज हवाओं ने खेतों में खड़ी धान की फसल को जमीन पर बिछा दिया है, जिससे इसके उत्पादन में कमी तो होगी ही, साथ ही कटाई में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के जालौन में बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की फल फूल रही खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। यहां खेतों में पानी भरने से किसानों की तिल, बाजरा और मूंग की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। वहीं कई जिलों के किसानों की शिकायतें मिलने के बाद यूपी सरकार की तरफ से सभी 75 जनपदों में नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जा सके। हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से हरियाणा की यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं तो कई गांवों की तरफ पानी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पानी छोड़ने से पहले अलर्ट भी जारी नहीं किया गया। सुबह उठे तो गाँव में पानी घुस चुका था। लापरा गाँव में पानी के दस्तक देते ही कई घरों में दरारें भी आ गई है। खतरे को देखते हुए लोग जरूरी सामान लेकर ऊंची जगहों का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश के चलते फसलें चौपट हो गई हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान धान, सोयाबीन और उड़द की फसलों को हुआ है। फसलों को जब पानी की जरूरत थी तब बारिश हुई नहीं, और जब मौसम निकल गया तो तेज बारिश मुसीबत बनकर टूट पड़ी। बारिश के अलावा BMB और येलो मोजैक नाम की बीमारियों ने भी फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। ऐसे में अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बारिश के बाद कई निचले इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। शहर की कई सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा है, जिससे यातायात की व्यवस्था प्रभावित हो गई है। लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा में फिर से नया चक्रवात बन रहा है, जिसकी वजह से 3 दिन बाद यहाँ फिर से जोरदार बारिश हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।